फ्रेंड्स, मेरे तो जवान और मेरे जवान पीसी विद यू, तो मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में, मतलब दर्रे क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेट में हमारे हिमालय के दर्रे फैले हुए हैं, है ना। तो ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हम बात करने वाले हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में, मतलब सबसे पहले तो दर्रे क्या होते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हिमालय पर्वत है या कोई भी दुर्गम पहाड़ी होती है, वहाँ जाना ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा सुगम नहीं होता है। तो जब ऐसे दुर्गम पहाड़ी होती है और दुर्गम पहाड़ियों से जब एक जगह से दूसरी जगह जिस रास्ते के द्वारा जाया जा सकता है, उस रास्ते को बोलते हैं दर्रा। दर्रा मतलब क्या होता है? दर्रा मतलब कि जब बहुत ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हों, है ना, ऊबड़ खाबड़ जगह है जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और वहाँ से निकलने के लिए जो एक रास्ता होता है, सड़क तो नहीं होती है लेकिन रास्ता होता है ना छोटा सा, तो उसको बोलते हैं। और उस दर्रे से भी निकलना, मतलब उस रास्ते से भी निकलने में भी कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, तो वो दर्रे कहलाते हैं। दर्रे मतलब क्या हो गया? दर्रे मतलब कि जब हम दुर्गम पहाड़ियों पर जाते हैं और दुर्गम पहाड़ियों से जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ये सिर्फ हिमालय में ही है या भारत के उत्तर में ही है, ऐसा नहीं है। ये जहाँ भी पहाड़ी होती है और जहाँ भी पहाड़ी में दुर्गम रास्ते होते हैं वहाँ पर दर्रे होते ही होते हैं। तो जैसे हमारे ये आज मैं बताऊँगी आपको हिमालय पर्वत में कितने कौन कौन से दर्रे हैं, ये सारा बताऊँगी। इसके अलावा भी हमारे जो इंडिया है देश में और भी दर्रे हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में असीरगढ़ में दर्रा है, है ना, असीरगढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ पर दर्रा है। उसके बाद थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये भी दक्षिण में हमारे प्रायद्वीपी भारत में ये प्रमुख दर्रे, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों में इनका नाम आता है। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं, और मेनली सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा हमारे हिमालय क्षेत्र में हैं, और वो भी हिमालय क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है लद्दाख और कश्मीर में, है ना। तो लद्दाख और लेह लद्दाख वाला जो हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा दर्रे हैं, हमारे देश के सबसे ज़्यादा दर्रे हैं और सबसे ऊँचे ऊँचे दर्रे भी हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो दर्रे हैं, दर्रे क्या होते हैं, जब कोई भी दुर्गम पहाड़ी होती है तो दुर्गम पहाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक बताऊंगी कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, बताइए आप जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको पहले ही याद आ रहा है तो कमेंट करके आप बता दीजिए भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, ये भारत का क्षेत्रफल है। और इसमें से जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र का या जो हमारा हिमालय पर्वत है उस जो वो कितने में फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना है? हमारे हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल लगभग 5,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा जो हिमालय है वो फैला हुआ है, है ना। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूर्व से पश्चिम तक ये फैला हुआ है 3 श्रेणियों में। भौगोलिक रूप से अगर इसका वर्गीकरण किया जाता है तो 3 श्रेणी है, है ना। सबसे जो ऊंची श्रेणी है वो है बृहत हिमालय, इसको बोलते हैं, या हिमाद्री इसको बोलते हैं। उसके नीचे सबसे ऊपर कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय बोलते हैं। मैं आपको पहले भी पहले के वीडियो में भी मैंने आपको ये बहुत डिस्क्राइब डीपली बताया हुआ है, डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, मतलब भौगोलिक हिमालय पर्वत का भौगोलिक विभाजन इस तरीके से, या प्रादेशिक विभाजन करके मैंने आपको बताया है। तो इसमें बस मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको कि सबसे ऊंची जो श्रेणी है, जो रेंज है हिमालय की, जो रेंज है वो हिमाद्री कहलाती है, और ये पूर्व से पश्चिम तक 2,400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, है ना। ये कहाँ से शुरू होता है? हमारे जो हिमालय पर्वत है वो हमारे सिंधु नदी का जो गॉर्ज होता है, सिंधु नदी जो महाखंड बनाती है, वहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो गॉर्ज है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का जो महाखंड है वहां तक फैला हुआ है, मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक 2,400 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। और उसके बाद जब दिहांग गार्ज है, मतलब दिहांग का जो महाखंड होता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ दिहांग गार्ज है, वहां से क्या होता है, ये जो हमारा हिमालय पर्वत दक्षिण में मुड़ जाता है, है ना, यहाँ से आएगा पूर्वी की तरफ आएगा और यहाँ दक्षिण में मुड़ जाएगा, और दक्षिण में मुड़ के ये कुछ पहाड़ियों का रूप ले लेता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये पहाड़ियाँ होती हैं। ये कहाँ कहाँ फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम,
मेघालय है ना, ये सारा यहाँ तक ये फैली हुई है और अलग अलग नाम से फैली हुई है। तो जो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भी हमारे हिमालय का ही भाग है, इसको पूर्वांचल कहा जाता है। मैंने आपको बहुत डिस्क्राइब करके बताया हुआ है कि पहली जो रेंज होती है वो हिमाद्री होती है, दूसरी रेंज मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी जिसको बोलते हैं, तीसरी सबसे नीचे वाली शिवालिक होती है ना, और इसके ऊपर हिमाद्री के ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय है, और एक और है पूर्वांचल करके जो पूर्व में है वो पूर्वांचल है। तो ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है, इसका इस वीडियो का लिंक भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो पूर्व से पश्चिम तक हिमालय जो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है ना, तो ये जो अलग अलग श्रेणियाँ हैं जैसे हिमाद्री हो गया, हिमाचल श्रेणी हो गया, शिवालिक हो गया, हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी में बहुत सारे दर्रे हैं, मतलब दर्रे क्या एक या ये जो हमारा हिमालय पर्वत है इसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, लगभग 6000 मीटर एवरेज 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंची चोटी है ना। जैसे केटू है, हमारे जो हिमालय हमारा जो देश है, देश में जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है, केटू पर्वत है काराकोरम श्रेणी में, क्या है उसकी केटू या गॉडविन आस्टन जिसको बोलते हैं, 8611 किलोमीटर उसकी हाइट है ना। तो 8-8 हज़ार मीटर तक के भी हमारे देश में ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जो केटू है वो भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है ना। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और जो वो कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर ही है, लेकिन कहाँ है वो हमारे देश में नहीं है, नेपाल में है। हाँ तो ये हो गया, हम पढ़ रहे हैं दर्रे के बारे में। तो दर्रे क्या होते हैं, दर्रे मतलब जो अलग अलग श्रेणियाँ हैं, इसमें बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ मतलब बहुत सारे दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और दुर्गम रास्ते हैं। तो वहाँ जो दुर्गम रास्ते हैं एक जगह से दूसरी जगह निकलने के लिए जो दुर्गम रास्ते हैं उन्हीं को दर्रे कहा जाता है। तो ये कई बार ये दर्रे कुछ महीने तो खुले होते हैं और कुछ महीने ये बंद होते हैं, मतलब बंद क्यों होते हैं, ये मई से ले नवंबर से लेके मई तक यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बहुत सारे जो पासेस हैं मतलब बहुत सारे पास हैं वो बंद हो जाते हैं है ना। तो कुछ खुले रहते हैं और कुछ बंद हो जाते हैं। तो इन दर्रों को डिवाइड किया गया है, दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, पूर्वी हिमालय के दर्रे और पश्चिमी हिमालय के दर्रे है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ ये पूर्वी हिमालय ये हो गया, ये हमारा पश्चिमी हिमालय है। तो पश्चिमी जो हिमालय है इसमें आने वाले दर्रे पश्चिमी हिमालय के दर्रे हो जाते हैं, और पूर्वी हिमालय में आने वाले दर्रे पूर्वी हिमालय के दर्रे कहलाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में कौन कौन से स्टेट आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था है ना, फिर ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, यहाँ पर क्या है भूटान है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पर नेपाल है और यहाँ साइड भूटान है, सिक्किम, और यहाँ पर ये यह हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना। तो ये तो पश्चिमी हिमालय में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पश्चिमी हिमालय में आ गया हमारा जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये लद्दाख हो गया है ना, लेह लद्दाख कुछ ये हो गया। दूसरा पश्चिमी हिमालय में कौन से आ गया, कौन सा स्टेट आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, और तीसरा हो गया उत्तराखंड। तो ये कहलाते हैं हमारे पश्चिमी हिमालय, इनमें जो दर्रे आते हैं वो कहलाते हैं पश्चिमी हिमालय के दर्रे। और पूर्वी हिमालय में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पूर्वी हिमालय में आ गया सबसे पहले हमारा सिक्किम आ गया है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पर मणिपुर है ना, मणिपुर। तो इनमें कौन कौन से दर्रे आते हैं है ना, इनमें आने वाले दर्रे कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा जो दर्रे हैं हमारे लद्दाख में हैं है ना, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो एरिया है सबसे ज़्यादा दर्रे वहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, यहाँ पर दर्रे हो गए काराकोरम, सबसे ऊँचा दर्रा है हमारा काराकोरम, काराकोरम श्रेणी सबसे ऊँची है ना, तो काराकोरम, पीर पंजाल, फिर बनिहाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, थोड़ा दूर दूर ले देती हूँ ना, कौन कौन से हो गए, चोजीला दर्रा,
चोजी तो दर्रा भी लद्दाख में ही आता है, काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा, है ना। तो ये तो मेन दर्रे हैं, इसके अलावा कौन से और दर्रे हैं? इसके अलावा हो गया चांगला, चांगला, थांगला, इमिसला, टेनिसिला, टेनिसिला, अगील। तो ये कुछ दर्रे हैं, ये आते हैं हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे लद्दाख में। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे आते हैं? काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहार दर्रा, जोजीला दर्रा, जो हमारा लेह मनाली, जो हाँ लेह मनाली के लिए जो रास्ता गया है वो कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में। लेह मनाली में, लेह मनाली के लिए जो रास्ता है, सॉरी, जो हमारा बनिहाल दर्रा है, सॉरी सॉरी, जो मैंने आपको बताया था वो अभी थोड़ा गलत है। इसमें इससे कहाँ जवाहर सुरंग होकर निकलती है, जो जवाहर सुरंग निकली है वो कहाँ से निकली है? हमारे बनिहाल दर्रे से निकली हुई है। तो कौन कौन से दर्रे आ गए हमारे लद्दाख में? कौन कौन से दर्रे हैं लद्दाख में? है काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, जोजीला दर्रा। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग निकली है, जोजीला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, इसके बाद चांगला, थांगला, इमिसना, इमिसला, पेनिसिला, अघील। तो जो अघील है ये हमारे यहाँ पर है ना। अघील भारत और चीन के बीच में, मतलब भारत और चीन का अक्साई चीन के बीच में जो रास्ता बनाता है वो अघील दर्रा होता है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश में हो गया रोहतांग, बड़ लाचा और शिवकिला, है ना। और इसके अलावा एक और दर्रा है मेन, इसमें है देवसा। तो कौन कौन से दर्रे आते हैं? रोहतांग दर्रा, बड़ लाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, देवसा। तो ये आते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये वाले दर्रे आते हैं। और उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे आ गए इसके अलावा? नीति, माना और लिपुलेखा, है ना। इसके अलावा हो गया इसमें मंगसा धुरा करके भी एक दर्रा है, मंगसा धुरा। और एक और दर्रा का नाम है मुगिसला, क्या है, मुलिंगला। तो ये दर्रे कहाँ है? ये दर्रे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? नीति, माना, लिपुलेखा। तो माना जो दर्रा है हमारा, इसके पास में उत्तराखंड में क्या, केदारनाथ, सॉरी बद्रीनाथ या मानसरोवर के पास ये दर्रा है ना, बद्रीनाथ। ये तो यहाँ उत्तराखंड में है। तो ये हो गया जो मंगसा धुरा है, मंगसा धुरा उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में रास्ता बनाता है, मंगसा धुरा बनाता है। अगील दर्रा बनाता है अक्साई चीन, मतलब भारत और चीन के बीच का जो दर्रा, जो रास्ता बनाता है वो अगील दर्रा है ना। ये हो गया। तो कौन पश्चिमी हिमालय में कौन कौन से दर्रे आ गए? पश्चिमी हिमालय में दर्रे आ गए काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजीला, बुर्जिल दर्रा, और उसके बाद चांगला, थांगला, इमिसला, पेनिसिला, अगील। ये सारे दर्रे लद्दाख में है, लेह लद्दाख में है ना, जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे पहले। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं? रोहतांग दर्रा, बड़लाचा दर्रा, शिवकिला, देवसा। तो जो बड़लाचा है, बड़लाचा से लेह मनाली के लिए जो सड़क है वो बड़लाचा दर्रा से होकर निकलती है ना। शिवकिला, देवसा, ये दर्रे हैं उत्तराखंड, कौन से उत्तराखंड से निकलने वाले? उत्तराखंड हमारा यहाँ है। उत्तराखंड से नीति, माना, लिपुलेखा, मंगसा धुरा और मुलिंगला, इस तरीके के ये दर्रे हो गए, यहाँ से निकलने वाले हो गए। उसके बाद आ गए हमारे पूर्वी हिमालय के दर्रे। तो पूर्वी हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सबसे पहले आ गया सिक्किम, ये हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आ गया सिक्किम, सिक्किम का मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? यहाँ पर आ गया नाथुला,
नाथुला और जेलेपला है ना। तो नाथुला और जेलेपला कहाँ है, हमारे सिक्किम में है। और जो नाथुला दर्रा है वो क्या है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, भारत और चीन के बीच में बहुत ही सेंसिटिव एरिया कौन सा है, नाथुला पास है। नाथुला पास इंग्लिश में इसको पास बोलते हैं, नाथुला पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है भारत और चीन के बीच में। यहाँ पर हमेशा लड़ाई का माहौल अक्सर बना रहता है यहाँ पर। और एक और चीज़ है, यहाँ पर जो एंशिएंट सिल्क रूट होता था, प्राचीन सिल्क रूट जो होता था ना, उसका भी एक रास्ता यहाँ पर है। मतलब प्राचीन में ये भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध इसी पास से होते थे, इसी दर्रे से होते थे, नाथुला पास से होते थे। नाथुला पास सेंसिटिव एरिया है ना। ये भारत और चीन के बीच में सेंसिटिव जो दर्रा है, पास है, वो कौन सा है, नाथुला पास है। और यहाँ पर सिल्क रूट का, जो एंशिएंट सिल्क रूट का एक रास्ता यहाँ पर भी था, एक पाथ यहाँ से भी निकल के होता जाता था। मतलब उस टाइम प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध होते थे वो नाथुला पास से भी होया करते थे। जिलेपला है दूसरा, सिक्किम में कौन सा है, जिलेपला है ना। उसके बाद आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, भोमिडीला, दीफू और यांगप्पा। तो ये दर्रे हो गए, कौन कौन से हो गए, भोमिडीला, दीफू, यांगप्पा दर्रा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। और मणिपुर में एक दर्रा है छोटा सा, तुजू है ना, तुजू दर्रा। तो कौन कौन से दर्रे हो गए, जो पूर्वी हिमालय में कौन कौन से दर्रे हो गए, नाथुला जेलेपिला सिक्किम में है, बोमेडीला दीफू यांगप्पा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और तुजू दर्रा मणिपुर में है। जो नाथुला दर्रा है पूर्व में, पूर्वी हिमालय में नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ये इसमें सेंसिटिव एरिया है ना। और एंशिएंट सिल्क रूट भी यहीं से होकर गुजरता है। मतलब भारत और चीन के बीच का संबंध यहाँ पर होता है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो ये याद रखिए, नाथुला जो पास है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है ना, सेंसिटिव पास है। ये हो गया पूरा, मतलब पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में आने वाले जो दर्रे हैं। तो पश्चिमी हिमालय में कौन कौन से आते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं, पूर्वी हिमालय में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है ना। उसके अलावा और मतलब पूर्वी हिमालय में उसके अलावा इस स्टेट आते हैं, ये पूरे आते हैं यहाँ पर। लेकिन जो मेन मेन दर्रे हैं वो मैंने आपको बताए हैं, लद्दाख में काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बुजिदला, चांगला, थांगला, इमिसला, पेनिसिला, अघील। तो चांगला, थांगला और जो अघील है, ये भारत और तिब्बत के बीच में यहाँ से रास्ता बनाते हैं। मतलब यहाँ लद्दाख और तिब्बत के बीच का रास्ता बनाते हैं। इसके बाद ये हो गया यहाँ पर देवसा भी, सॉरी देवसा नहीं, जैसे मंगसधुरा, मुलिंगला, ये उत्तराखंड और तिब्बत के बीच का रास्ता बनाते हैं। नीति माना, लिपुलेखा, माना के पास बद्रीनाथ, जो हमारा हमारा जो तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ के पास, कौन सा पास है, कौन सा मेन पास है, वहां पर माना है ना। ये हो गया। उसके बाद मंगसाधुरा, मुंगलीला भी उत्तराखंड में ही आता है, पूर्वी हिमालय में आते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आते हैं। तो सिक्किम में आता है नाथुला पास, नाथुला पास बहुत सेंसिटिव एरिया है। जेलेपला, नाथुला पास भारत और चीन के बीच में कहाँ पर है, सिक्किम में है ना। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बोमेडीला, दीफू और यांगप्पा दर्रे आते हैं, और मणिपुर में एक दर्रा है, तिजू दर्रा है। ये हो गया। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ दर्रे हैं, आने जाने के लिए कुछ दर्रे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दर्रे हैं वो इसमें नहीं आते, वो इस साइड आते हैं है ना, इसलिए वो हिमालय क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो कौन कौन से हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, हो गया बोलन, खेबर, पख्तून। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव एरिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कैसा, कौन सा है, खेबर, बोलन है ना, गोमल। तो ये कुछ दर्रे हैं। तो जो खेबर दर्रा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये भी सेंसिटिव एरिया है, भारत और पाक के बीच में सेंसिटिव एरिया है ना। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो सेंसिटिव पास है, सेंसिटिव दर्रा है, वो कौन सा है, नाथुला दर्रा है। सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है ना, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हिमनद होते हैं, मतलब ग्लेशियर होता है,
ग्लेशियर, इसी के साथ मैं आपको बता दे रही हूँ ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर का मतलब होता है हिंदी में हिमनद होता है। हिमनद मतलब जो जो बर्फ की नदियाँ, हिम मतलब बर्फ होता है, नद मतलब नदियाँ, तो बर्फ की नदियाँ जो बहते हुए बर्फ होते हैं उनकी जो नदियाँ होती हैं उनको ग्लेशियर बोलते हैं। तो कैसे बनते हैं, कभी जब बर्फबारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा बरसा बर्फ की वर्षा हो रही है, तो क्या होता है जब एक के ऊपर एक बर्फ जमती रहती है तो बहुत बड़े बड़े ये नीचे दबा देती है, ऊपर वाली बर्फ नीचे वाली बर्फ को दबा देती है और वो संकुचित हो जाते हैं और बहुत ठोस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर ग्लेशियर बन जाता है, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, एक तो ऊपर पहाड़ियों की चोटी पर जो बनते हैं वो ग्लेशियर होते हैं, तो हमारे भारत में अधिकतर जो पहाड़ी की चोटियाँ हैं वो वाले ग्लेशियर हैं, और दूसरे बनते हैं जो घाटियों पे बनते हैं, मतलब बर्फ जमी रहती है सब जगह, बर्फ के रेगिस्तान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये चलते चलायमान होते हैं, गतिमान होते हैं, इनमें गति होती है, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं। जो ग्लेशियर होते हैं वो ही भारत में सबसे जो उत्तरी भारत की जो नदियाँ हैं उनका जो मेन सोर्स है वो क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसी भी नदी के लिए स्रोत होता है, उससे जो पानी पिघलता है वो नदी में जाता है ना। तो ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर होते हैं बहुत बड़े बड़े बर्फ के स्थान होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं, लंबे भी होते हैं और काफ़ी चौड़े भी होते हैं। तो भारत में पूर्वी पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय दोनों ही हिमालयों में हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं। पश्चिमी हिमालय के जो दर्रे हैं, पश्चिमी हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे भी हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हैं अपेक्षाकृत पूर्वी हिमालय के दर्रों के ना। पूर्वी हिमालय के दर्रे उतने ज़्यादा ऊंचे भी कम हैं और उनकी चौड़ाई लंबाई भी कम है, और पश्चिमी हिमालय में जो दर्रे हैं उनकी चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो भारत में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर जिसे कहा जाता है, भारत का भी सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है ना। उसके बाद वायफो ग्लेशियर है, वायफो ग्लेशियर बोलते हैं, गशेरभूम ग्लेशियर है ना, और यहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ ये भी ग्लेशियर है ना। तो सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है भारत का, जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन। अब सियाचिन में भी क्या चीज़ है, जो सियाचिन जो ग्लेशियर है इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है मतलब उसका जो ऊंचा वाला स्थान है वो भारत में आता है, और सियाचिन का जो निचला स्थान है मतलब जो घाटी वाला स्थान है वो पाकिस्तान में आता है। तो वो भी डिवाइड है, उसका जो ऊंचा वाला हिस्सा है सियाचिन का वो भारत में आता है और इसका जो घाटी वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, या हिमनद जिसको बोलते हैं कौन सा है, भारत का सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में भी ऊपर का हिस्सा भारत में आता है और घाटी वाला हिस्सा पाकिस्तान में आता है। इसके अलावा वियाफू ग्लेशियर है, बतूर ग्लेशियर है ना, गशेरभूम ग्लेशियर है, बहुत सारे ग्लेशियर हमारे उसमें हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन जो क्या है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है सियाचिन ग्लेशियर। वहाँ पर भी भारत और पाकिस्तान की झड़प अक्सर होया करती है, और जब ये जो पास है ढक जाते हैं, मतलब ये नवंबर से मई तक बहुत सारे जो पास है, बहुत सारे जो दर्रे हैं वो बंद हो जाते हैं, बर्फ के कारण बंद हो जाते हैं है ना। तो आज मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया है कि दर्रे क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, जब जो दुर्गम पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से जाने के लिए जो रास्ते बनाए होते हैं, नेचुरल रास्ते होते हैं, नेचुरल पाथ होता है वो दर्रे कहलाते हैं। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे से चल पा रहे हो, मतलब नॉर्मली आप उसमें पैदल चला जा सकता है। तो इसमें पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में अलग अलग दर्रे हैं हमारे, लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कुछ दर्रे हैं है ना। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया आज इस वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या क्वेरी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।